देखिए कितना सुंदर खूबसूरत नज़ारा। सात बजे हैं सुबह के और यहाँ पे म्यूजिक के साथ मेडिटेशन चल रहा है और हम यहाँ पे इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। जो पल मिले खुशी के, मोहब्बत के, प्यार के, जी लो मेरे यार, जी लो मेरी जान, जी लो। हर पल हर लम्हा खूबसूरत है, जहाँ जैसा मिले उसे पसंद करो। एक्सेप्ट कर लोगे तो खुश होगे, नहीं तो दुखी होते रहोगे। इसलिए ये मौका, ये समा खूबसूरत। जमी भी तेरी, ये आसमां भी तेरा, ये बंदे भी तेरे, ये खूबसूरत लम्हा भी तेरा। लव यू ऑल। का टाइम सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। ये रूम जहाँ पर हम ठहरे हैं, क्योंकि यहाँ पे डाइनिंग हॉल नज़दीक है, जब मर्जी चाय पियो, खाना खाओ। कुछ आंखों के कैमरे में कैद करें और कुछ फोन के कैमरे में आपके लिए। ये देखिए मेडिटेशन रूम, ये मेडिटेशन रूम जहाँ पे अभी मेडिटेशन चल रहा है, लेकिन हम इस वेदर का, इस जगह को एंजॉय कर रहे हैं, खूबसूरत फूलों को एंजॉय कर रहे हैं। जगह जगह खूबसूरती बिखरी पड़ी है। दिन में एक बार उस इंसान से जरूर बात करो जो तुमसे बात करने के लिए भी पूरा दिन इंतजार करता है, यानी कि आप खुद अपने आप से बातें करो। खुद को लोगों की नज़रों में आजमाना छोड़ दो, जो तुम्हें ना समझे उन्हें समझाना छोड़ दो। तो हर कोई कभी ना कभी किसी ना किसी तरह से स्ट्रेस में आ ही जाता है, तो उस स्ट्रेस से निकलने के लिए मुझे भी थोड़ा सा था, इसलिए बाहर आई हूँ और बहुत मज़े कर रही हूँ, आप देख ही रहे हैं। और रात को मैंने आपको डाइनिंग हॉल दिखाया, ऑफिस दिखाया। ये यहाँ के माली अच्छे से काम करते हैं, जो बहुत खूबसूरत फूल है, बहुत प्यारे फूल। हमारे यहाँ क्यों नहीं होते? थोड़ा प्रेम नहीं देते हो जितना मैं देता हूँ। ओहो ये बात तो है। तो बताइए हम कैसे दे, उसको एक्सेप्ट करें वो। हम तो प्रेम करते हैं लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करते हमारा प्रेम। आप ये सोचते हैं कि यही प्रेम दे हमें, प्रेम दे हमें, यही अच्छे लगने चाहिए। अच्छा, जबकि आपको भी अच्छा बनेगा, बनना पड़ेगा। तो वही तो पूछ रहे हैं कैसे बने। मेडिटेशन करो, ध्यान करो। यहाँ तो हम अपना ध्यान रखने आए हैं, अपने आप से मिलने आए हैं। चलिए अभी हमने लेसन लिया एक, कि प्यार 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 करो फूलों से, पौधों से, चीज़ों से। तो जितना प्यार दोगे उतना प्यार मिलेगा हमें, तो इसलिए प्यार प्यार प्यार।
बांटो प्यार, बटोरो प्यार। तो चलिए अब कुछ और इसी तरह दिखाते रहेंगे। आपको पता है मेरे साथ मेरी फ्रेंड आई हुई है, लेकिन वो अपनी नींद को एंजॉय कर रही है और हम इस वेदर को एंजॉय कर रहे हैं। हम कहते हैं जो जिस वक्त जहाँ पर है उस पल को एंजॉय करें, जो छूट गया या जहाँ पे नहीं है उस मोमेंट का, उस टाइम का अफसोस ना करके जिस जगह पे हैं, जिस समय है उसको एंजॉय करते हैं प्यार से, दुलार से। चलिए ये देखिए कितना खूबसूरत समा। रखवाले शेर, ये हल्का हल्का म्यूजिक यहाँ पे इन्होंने लगाए हुए हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही अच्छा हवा चल रही है और ये हल्का हल्का म्यूजिक भी इस माहौल को और मधुरम बना रहा है। और भी कुछ यहाँ फल फ्रूट लगे हुए हैं। कभी कभी मेरा खुद से मिलने को जी करता है। काफ़ी कुछ सुना है मैंने अपने बारे में, बस इसीलिए खुद से मिलने, खुद को ढूंढने यहाँ पे आई हूँ। परेशानियाँ तो बहुत हैं ज़िंदगी में साहब, पर ज़रूरी तो नहीं कि चेहरे पर भी दिखाई दें। चलिए उठाते हैं एक बार फिर उसको, ढाकर तो आई थी कि उठ जाओ, मौसम को, टाइम को और इस जगह को एंजॉय करो। हाँ जी मैडम, चलो उठते हैं फ्रेश होने, चलो अच्छी बात है। ये हमारे रूम के बाहर ओशो जी का है, ये यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम यहाँ पे आ रहे हैं। खूबसूरत 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 लॉबी, खूबसूरत समा, फ्रेश उठे हैं और इस मौसम को, इस समय को एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हमारी मैडम जी भी तैयार हो जाएंगी, फ्रेश हो जाएंगी, तो फिर थोड़ी चीज़ें और दिखाते हैं आपसे, शेयर करते हैं। चलिए अभी और बहुत सी मोमेंट्स, बहुत सी बातें। काफ़ी अच्छा लग रहा है ये सुबह का टाइम और ये चीज़ें, और जैसे मैं बता रही थी कि थोड़ा स्ट्रेस ये वो, लेकिन हर कोई अपने स्ट्रेस से, अपनी चीज़ों से कैसे डील करता है ये तो उसी पर डिपेंड करता है। कि बाहर की चोट तो फिर भी दिखाई जा सकती है, कोई परेशानी है वो कैसे किसी को समझाई जाए, जब खुद की कई बार ऐसी कोई परेशानी होती नहीं जो समझाई जाए किसी को या बताई जाए। बस एक रिलैक्स का मूड होता है, चेंज का मूड होता है अपने रूटीन से बाहर निकलने का, बस और क्या। अब दवाइयाँ खानी है या अपने आप से मिलना है ये आपकी मर्जी। यहाँ पे अभी मोर की आवाज़ सुनाई दे रही थी,
लेकिन नहीं नज़र आ रहा। तो चलिए यहाँ रिलैक्स करते हैं, हम थोड़ा सा मेडिटेशन हम भी करते हैं। चलिए बैठे, ये रही हमारी चेयर। कल वाला स्ट्रेस भी सारा ख़त्म, और इस खूबसूरती का, इस समय का एंजॉय करते हुए और आपको करवाते हुए। लेकिन कल जैसे परेशान, मतलब हम अपनी चीज़ों से भाग कर आते हैं कि चलो आज कुछ अलग, कुछ मज़ेदार, रूटीन से हटके करते हैं। बस रूटीन से कुछ हटके करते हैं तो लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों के साथ एक ही रूटीन में जाते जाते थोड़ा सा स्ट्रेस तो आ ही जाता है। तो बस उसी स्ट्रेस से निकलने के लिए आए, लेकिन यहाँ पे परेशानी वाली बात आ जाती है ना, कि ज़िंदगी तो हमें बहुत परेशान करती है, ऐ ज़िंदगी तो हमें बहुत परेशान करती है, लेकिन हम भी ढीठ हैं, मुस्कुराने का मौका ढूंढ ही लेते हैं, मुस्कुराने का मौका ढूंढ ही लेते हैं। तो मुस्कुराना ना छोड़िए, आप भी हमारे साथ मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। और जो चीज़ें हमें परेशान करी, जैसे हम किसी चीज़ों से हर्ट हो जाते हैं, तो कोशिश यही होनी चाहिए कि हमारी वजह से कोई हर्ट ना हो, यही सबक है ज़िंदगी का। लेकिन फिर भी हमारी आदतें, हमारी हरकतें या कुछ भी जो किसी को पसंद नहीं होता, क्योंकि दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं, और इतनी हमारे देखने के दृष्टिकोण के ऊपर है। जैसे फूल है तो फूल के साथ कांटे भी हैं, लेकिन वो कांटों को अफसोस करेंगे तो ज़िंदगी कैसे जिएंगे। उसकी खूबसूरती देखिए, उस फूल की खूबसूरती देखिए, उसको बचाने के लिए परमात्मा ने वो कांटे लगाए हैं। तो बस अगर ज़िंदगी में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो फूल की खूबसूरती को कम नहीं करते कांटे, और उसकी खूबसूरती को सुरक्षा प्रदान करते हैं, स्ट्रांग बनाते हैं, उसको कई चीज़ों से बचाते हैं। तो इसीलिए ज़िंदगी के छोटी छोटी चीज़ों में भी बहुत सारे मैसेज छुपे हैं। अब ज़्यादा लेक्चर नहीं देना, क्योंकि हम इंजॉय करने आए हैं। तो चलिए इंजॉय कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। चलो दिखाते हैं कुछ और। तो ज़िंदगी की मुस्कुराहट, ज़िंदगी की खूबसूरत हर लम्हा में है। और फिर वही यहाँ पे, अकेले हैं तो क्या गम है, अकेले आए हैं अकेले जाना है, ज़िंदगी के भीड़ में खुद को खोना नहीं है, और उस भीड़ के हिस्सा बन के उसमें से खुशियाँ बटोरते हुए ज़िंदगी को। चलो अभी अपनी फ्रेंड को फिर एक बार देख कर आते हैं, उठा कर आते हैं, फ्रेश तो हो रही थी तो। लेकिन फ्रेंड को भी कह रही हूँ और आप सबसे भी कह रही हूँ कि सहारे मत ढूंढिए, सहारे हमेशा कमज़ोर कर देते हैं। ज़िंदगी को जीना जहाँ मिले वहीं से शुरू कर देना चाहिए, और ज़िंदगी में कमज़ोर नहीं होना। और उम्मीदें हमारी ताकत छीन लेती हैं, तो इसलिए उम्मीद अपने आप से रखिए, सहारे अपने आप में ढूंढिए। ये कहना ज़्यादा आसान है, करना मुश्किल है, लेकिन मेहनत लगती है हर काम में, हर खुशी में जीने का तरीका अगर मिल जाए तो ये ढूंढा जा सकता है, इतना मुश्किल भी नहीं है। खुद से अच्छा कोई साथी नहीं है, खुद से अच्छा कोई हमदर्द नहीं है, तो अपने हीलर खुद बनिए। यही मेडिटेशन का मेन मकसद होता है कि हर चीज़ में, दुख में भी सुख ढूंढ लेना, ये मेडिटेशन सिखाता है। अपने आप में जीना मेडिटेशन सिखाता है। अब इस माहौल में जो खूबसूरती और जो चीज़ें हैं, ये भी हमें जीने के बहुत सारे लेसन देती हैं। तो चलिए अब ज़्यादा बड़बड़ करती हूँ तो कुछ और दिखाते हैं और बताते हैं। ये देखिए वादियों का मज़ा और पीछे से म्यूज़िक का मज़ा, और ये हमारी मैडम
अब आ गई हैं तैयार होकर। चलो जब जागे तभी सवेरा, चलो एंजॉय करो, आओ हमें ज्वाइन करो जी, आओ बैठो जी। गुड मॉर्निंग। ये हमारा गोपूनाथ अभी आनंद मान के आया, नींद का, नहाने का, फ्रेश होके आए हैं। चलो अब चाय शाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं और थोड़ी सी यहाँ पे अब गप्पे शप्पे करते हैं, वो भी दिखाते हैं, सुनाते हैं कुछ कुछ। अभी आए थोड़े बैठे, आराम तो करे, आके यहाँ का आराम करे। यहाँ आराम करना थोड़ा। ये देखिए हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट, दलिया, ब्रेड पकौड़ा, फ्रूट। अब वहाँ पे मैं नहीं लेकर गई कि अब वहाँ पे सुबह बफे होगा, मुझे पता तो था लेकिन बस भूल गई कैमरा लेके जाना। तो अब यहाँ पे कह रही हूँ सब कुछ, और भी बहुत कुछ था थी, लेकिन अब हम यहाँ बैठ के अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय करेंगे। हमारी मैडम जी लेने गई हैं, अभी लेकर आती हैं। यहाँ बैठ के इंजॉय करेंगे, अलग अलग जगह पे बैठ के अलग अलग चीज़ों को इंजॉय करना, ये मुझे अच्छा लगता है। हमारे साथ बैठ के ब्रेकफास्ट। ये देखिए हमारा नाश्ता ठंडा भी हो गया, ख़त्म भी हो गया, और ये हमारी मैडम अब आ रही हैं अपना ब्रेकफास्ट लेकर। जल्दी खाओ, जल्दी आओ जी, आओ। तो मैं कुछ सारा ले आई हूँ, हम दोनों मिलकर। हमारी चाय कहाँ है? चाय तो मैंने देखी नहीं। अच्छा, मैंने सोचा चलो चाय तेरे साथ गर्म गर्म पियेंगे। अब चल लेके आती हूँ, तू बैठ 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 बैठ, ब्रेकफास्ट करो। ब्रेड और ले ले बस। क्यों कम मीठा? ज़्यादा मीठा चाहिए। ये देखिए मस्तियाँ मार रहे हैं हम यहाँ पे, और अपना सुबह ब्रेकफास्ट इंजॉय कर रहे हैं। ये आपको पहले बता ही चुके हैं। अब मैडम जी को क्या अच्छा लग रहा है बताओ जी। मुझे यहाँ हवा पानी बड़ा मज़ेदार लग रहा है, भूख भी लग रही है, और चाय ब्रेड का मज़ा आ रहा है। और बहुत अच्छा नाश्ता था, हमने इंजॉय किया, बहुत मज़ा किया, अब बहुत मज़ा कर रहे हैं। वैसे तो एक फिर यहाँ पे डायलॉग आता है, जो कह रहा है कि मैं मज़े में हूँ, या तो वो फ़कीर है या वो नशे में है। तो हम इस टाइम इस खूबसूरती के इस मज़े में हैं और इस नशे में हैं खूबसूरती के, इसलिए हम मज़े में हैं एक्चुअली। तो अब आप दूसरी साइड का भी कीजिए। चलो जी मैडम, अब जल्दी जल्दी नाश्ता फिनिश करो और फिर थोड़ा सा शुरू करें, फिर हमारे जाने का टाइम भी हो रहा है। हाँ जी, जन्ना सा काका लेते हैं, तुम रिलैक्स करने आते हैं ना लोग यहाँ। जरा सा चूम ले तू आने अरे ना, इस
से 10 किलो सिंदूर बनता है माँ। ये चिड़िया का घोंसला नहीं है, कोयल का। चलो हमें तो अच्छा लग रहा है, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे नारियल टंगा हो। तो ये कह रहा है कि इसमें घुस के देखें और रह के देखें कैसे किस में बच्चे हैं। हाँ, लेकिन बड़ा सुंदर लग रहा है, ऐसा लग रहा है नारियल कैसे रहती होगी ना चिड़िया इसमें। फिर अंडे रहते हैं पंछी, जैसे आज हम आजाद हुए हुए हैं। पंछी पंछी बनो उड़ती फिरो आज गगनी, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। हाँ जी, हाँ जी, अब हमारा ओशोधाम छोड़ने का टाइम आ गया है। अब हम रेडी हो गए हैं जाने के लिए, आ गया ड्राइवर भी। ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड करते हुए लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा, और बाकी का अब हम आगे का सफर शुरू करते हैं वापसी का। ओके, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।